हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है तो दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों आज की हमारी मूवी है किडनैपिंग ऑफ मिस्टर हाइनिकन, और ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है, और उसी के साथ साथ ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी भी है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1982 के समय का एम्स्टर्डम शहर दिखाया जाता है, और सुबह सुबह जेन नाम का आदमी अपने बच्चे को साइकिल पर लेकर हड़बड़ी में आकर अपने दोस्तों के पास रुकता है। वहां पर जेन का दोस्त कोर गुस्सा होता है और कहता है, तुम अपने साथ ये बच्चे को लेकर क्यों आए, हमें लेट हो रहा है। जेन कहता है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर मार्टिन इस बच्चे को संभाल लेगा। जेन अपने बच्चे को मार्टिन को देता है, और ये सभी दोस्त कोर, विलियम, फ्रांस और जेन ये सभी कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं। ये सभी लोग बैंक में जाते हैं और बैंक के मैनेजर से बात करते हैं। कोर अपने आप को और अपने दोस्तों को बैंक के मैनेजर से इंट्रोड्यूस करवाता है, और बैंक के मैनेजर को अपने डॉक्यूमेंट्स देकर कहता है, हम यहाँ पर लोन के लिए आए हैं। डॉक्यूमेंट देखकर मैनेजर पूछता है, आपको कौन सा लोन चाहिए। वहीं खड़ा विलियम कहता है, हमें बिजनेस लोन चाहिए। मैनेजर पूछता है, क्या आपके पास इक्विटी, बॉन्ड्स या पेंशन फंड है लोन लेने के लिए। कोर कहता है, हमारे पास एक बिल्डिंग है जिस पर हम ये लोन ले सकते हैं। कोर मैनेजर को बिल्डिंग का एड्रेस बताता है, तो मैनेजर कहता है, इस बिल्डिंग पर तो लोगों ने गैर कानूनी कब्जा करके रखा है। कोर कहता है, लेकिन उसे खाली करवाने की प्रोसेस जारी है। मैनेजर कहता है, पर उस बिल्डिंग पर अभी आप लोन नहीं ले सकते। लोन ना मिलने के कारण कोर, विलियम और सभी दोस्त गुस्सा होते हैं, और सभी उस बिल्डिंग में जाकर वहां पर बसे हुए लोगों को बाहर निकालने लगते हैं, उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और उन सभी दोस्तों को पकड़ लेती है। कोर भी वहां पर छुप गया था और वो पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर देता है, और पुलिस कोर को भी अपने साथ अरेस्ट करके वहां से ले जाती है। आगे सभी दोस्त जेल में होते हैं और कोर किसी से फोन पर बात कर रहा होता है, और फोन पर बात करके कोर कहता है, हमारे लिए एक अच्छी खबर है, बिल्डिंग के लोगों ने हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई। तभी एक पुलिस वाला आकर कोर को रिहा कर देता है और बाकियों को जेल में रहने को कहता है, और कोर कहता है, बुरी खबर ये है, तुम लोगों ने अरेस्ट करने का विरोध किया था, इसलिए तुम लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। और ऐसा कहकर कोर वहां से चला जाता है। कोर अपने घर पर जाता है और वहां पर कोर की वाइफ सोनिया उससे नाराज थी, और वो कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। तब कोर अपने बच्चे के साथ खेलने लगता है। तभी एक लेडी आकर कोर से कहती है, क्या तुम्हें पता है सोनिया के साथ क्या हो रहा है। तब सोनिया बाहर आकर कोर से कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ये सुनकर कोर सोनिया को गले लगा लेता है। आगे विलियम अपने घर पर आता है और वहां पर विलियम की बहन सोनिया और सोनिया का हस्बैंड कोर भी थे। विलियम कोर और सोनिया के साथ मजाक करने लगता है। तब विलियम के पिता उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं, ये कैसा बेटा है जो बूढ़े आदमी के साथ बात भी नहीं करता, उसके साथ बैठकर एक बियर भी नहीं पीता। तब विलियम कहता है, आपको पता है मैं ड्रिंक नहीं करता, स्पेशली हाइनिकन बियर तो कभी नहीं। विलियम के पिता कहते हैं, मेरी तरफ देखकर बात करो, हाइनिकन बियर के कारण और उनके पैसों के कारण ही तुम इस घर में बड़े हुए। और विलियम के पिता विलियम को उनका और फ्रेडी हाइनिकन का फोटो दिखाते हुए कहते हैं, देख रहे हो इस आदमी को, ये मेरा फ्रेंड है। विलियम कहता है, पर इसने तो आपको नौकरी से निकाल दिया था, और इसको आप याद भी नहीं होंगे। ये सुनकर विलियम के पिता उस पर गुस्सा होते हैं और उसे मारते हैं। आगे विलियम, कोर और उनके दोस्त फ्रांस और जेन एक बोट पर होते हैं, और वहां पर कोर कहता है, इस साल हमें कुछ बड़ा करना होगा, अपनी पुरानी जिंदगी वापस लानी होगी। तब विलियम कहता है, ना तो हमारे पास पैसा है और ना ही हमें कोई लोन देने वाला है, हम लोग वापसी कैसे करेंगे। तब जेन कहता है, हमें जॉब मिल सकती है, पर मैं अब जॉब नहीं करना चाहता। कोर कहता है, मैं जॉब की बात नहीं कर रहा, मेरे पास एक बिजनेस प्लान है, और ये बिजनेस प्लान काफी बड़ा है, और इसके बाद हमें लोन के लिए किसी बैंक मैनेजर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बिजनेस प्लान $60 मिलियन का है। तब वहीं बेटा फ्रांस कहता है, क्या हम लोग किसी को किडनैप करने वाले हैं? क्या वो कोई बच्चा है, क्योंकि ये सिंपल नहीं होने वाला, किसी को किडनैप करके इतना सारा पैसा मांगना इम्पॉसिबल है। कोर कहता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम किसी महिला को या किसी बच्चे को किडनैप नहीं करने वाले, हम किडनैप करने वाले हैं अल्फ्रेड हाइनिकन को, और ये बहुत ही अमीर आदमी है। कोर अपने दोस्तों को फ्रेडी हाइनिकन का फोटो दिखाकर कहता है। अगले दिन कोर अपने दोस्तों से आकर मिलता है जहां पर वो सब प्लानिंग करने वाले थे। वहां पर कोर के दोस्त किडनैपिंग के लिए मास्क और विग लाए थे। तब कोर कहता है, हमें जगह ढूंढनी होगी जहां पर हम हाइनिकन को छुपा सके। वहीं खड़ा जेन कहता है, उसके लिए मेरा वर्क शेड अच्छा रहेगा। तब फ्रांस कहता है, हम उसे किसी शेड में नहीं रख सकते। जेन कहता है, तो शेड के अंदर हम एक कमरा बना लेंगे। और जेन सभी को अपने साथ लाई गन्स दिखाता है। तब बाहर से विलियम आता है और कोर उससे पूछता है, तुम अब तक कहाँ थे। विलियम कहता है, मैं किडनैपिंग के बारे में सोच रहा था कि हम ये सब कैसे करेंगे। हमको ये सब सोचना होगा कि जब हम ये सब करेंगे तो पुलिस किसी और डायरेक्शन में हो, और हमें पुलिस को ये भी विश्वास दिलाना होगा कि ये सब किसी बड़े माफिया ग्रुप ने किया है, और इसके लिए हमें आर्मी जैसे बड़े हथियार, हाइनिकन को रखने के लिए सेफ हाउस,
और महीनों की तैयारी लगेगी, तब हम ये काम परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। और ये सब करने के लिए हमें कम से कम $1,00,000 की जरूरत पड़ेगी, और अगर हम इससे कम बजट में ये सब करेंगे तो लोकल पुलिस को हम पे शक होगा और हम पकड़े जाएंगे। मूवी के अगले सीन में कोर और विलियम हथियारों के साथ एक वैन में बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं, और जैसे ही बैंक से वैन में पैसा ट्रांसफर किया जाता है तब जेन गाड़ी को चलाकर बैंक की वैन के पास गाड़ी रोकता है, और कोर और विलियम गाड़ी से उतरकर बैंक वालों पर गोलियां चलाते हैं और पैसों की पेटी अपनी वैन में रखकर वहां से भाग जाते हैं। पुलिस भी कोर और विलियम की गाड़ी का पीछा करती है, तब आगे जाकर कोर और विलियम की गाड़ी टकराकर रुक जाती है, और कोर और विलियम पुलिस पर गोलियां चलाते हुए पैसों वाली पेटी को बोट में वहां से ले जाते हैं। पुलिस की गाड़ियां बोट का भी पीछा करती है, पर आगे जाकर दो पुलिस की गाड़ियां आपस में टकरा जाती है, और कोर और विलियम बोट के जरिए वहां से पैसा लेकर भागने में सफल हो जाते हैं। आगे सभी शेड में जाकर उन पैसों वाली पेटी को खोलते हैं और सभी पैसा देखकर बहुत खुश होते हैं। मूवी के अगले सीन में कोर और विलियम बारी बारी से फ्रेडी हाइनिकन के घर पर नजर रखते हैं, और वो ध्यान रखते हैं कि फ्रेडी हाइनिकन कब कब घर से बाहर निकलता है और उसके आसपास कितने लोग होते हैं। आगे कोर आपस में बात करने के लिए वॉकी टॉकी खरीदता है और विलियम हथकड़ी खरीदता है, और वो लोग थैली में $35 मिलियन उठा पाएंगे भी कि नहीं उठा पाएंगे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आगे जेन, फ्रांस और मार्टिन ये तीनों मिलकर शेड के अंदर कमरे बनाते हैं और उन कमरों को साउंड प्रूफ बनाते हैं ताकि अंदर से आवाजें बाहर ना आए। मार्टिन एक ऑफिस से गाड़ी की चाबी को चुराकर उस गाड़ी को शेड में ले आता है और उस गाड़ी से स्टिकर निकालकर उस पर नया पेंट कर देता है। कोर और विलियम शेड में आते हैं तो वो देखते हैं अभी तक भी कमरे तैयार नहीं हुए, और इस पर कोर पूछता है कमरे कहाँ है। तब जेन सामने वाली दीवार से एक दरवाजा खोलकर दिखाता है, उस दीवार के पीछे ही उन लोगों ने कमरे तैयार किए थे, और वो कमरे इस तरह से बनाए गए थे कि कोई भी शेड में आए तो उसे पता न लगे कि वहां पर कमरे है। ये सब देखकर विलियम और कोर भी बहुत खुश होते हैं। आगे सभी मिलकर पैसा मांगने के लिए नोट लिखते हैं और सभी इंतजार करने लगते हैं हाइनिकन के घर से निकलने के समय का। और जैसे ही समय होता है जेन और मार्टिन वैन लेकर निकल जाते हैं, और कोर, विलियम और फ्रांस पैदल ही हाइनिकन के घर तक पहुंचते हैं, और तीनों हाइनिकन के घर तक पहुंचकर उसके घर के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही हाइनिकन घर के बाहर आता है तीनों मास्क पहनकर हाइनिकन को पकड़ लेते हैं, तब वहां पर जेन और मार्टिन भी अपनी वैन लेकर आ जाते हैं। हाइनिकन का ड्राइवर इन तीनों को रोकने की कोशिश करता है, पर ये तीनों हाइनिकन के साथ साथ उसके ड्राइवर को भी हथियार अड़ाकर वैन में अपने साथ ले जाते हैं। तब वहीं पीली कलर की गाड़ी में बैठकर एक आदमी ये सब देख रहा था, और वो भी इनकी वैन का पीछा करता है। कोर वैन में पीछा करती हुई उस गाड़ी को देख लेता है। आगे जाकर एक पुल के नीचे जेन वैन को रोकता है, और ये सभी वहां पर गाड़ी को चेंज करते हैं, और विलियम गन दिखाकर उस पीली गाड़ी वाले ड्राइवर को भगाता है, और आगे सभी हाइनिकन को और उसके ड्राइवर को शेड के अंदर बनाए कमरों में ले जाते हैं और उन दोनों को अलग अलग कमरों में रखते हैं। आगे कोर सभी को रैंसम नोट दिखाकर पूछता है क्या किसी ने इसे अपने हाथ से छुआ, क्योंकि फिंगरप्रिंट के कारण पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। तब मार्टिन कहता है हाँ शायद मैंने इसे छुआ था। कोर जेन को शेड के पास ही बने ऑफिस में ले जाता है और उस ऑफिस की छुपाई हुई चाबी को निकालकर उस ऑफिस का दरवाजा खोलता है, और कोर ऑफिस की फोटोकॉपी मशीन से उस नोट की फोटोकॉपी निकालता है, और कोर उस फोटोकॉपी नोट को जेन और मार्टिन को देता है पोस्ट करने के लिए। मार्टिन उस नोट को पुलिस स्टेशन के लेटर बॉक्स में डाल देता है, और बार में अपने दोस्तों से मिलकर जेन और मार्टिन बताते हैं उन्होंने नोट पुलिस तक पहुंचा दिया। अगले दिन कोर शेड में आता है और हाइनिकन और उसके ड्राइवर के बारे में पूछता है, तब मार्टिन कहता है हाइनिकन बिल्कुल ठीक है पर उसके ड्राइवर की हालत खराब है। कोर मास्क पहनकर हाइनिकन के ड्राइवर के पास जाता है और उसे समझाता है तुम खतरे में नहीं हो, पैसा मिलने के बाद तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद कोर हाइनिकन के कमरे में जाता है और हाइनिकन कोर से पूछता है क्या तुम इन सभी लोगों के बॉस हो, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे बाथरोब, चप्पल, शेविंग किट, कंघी, आईना, पढ़ने का चश्मा और एक कुर्सी की जरूरत पड़ेगी, और हाँ तुम कौन से संगठन से हो। हाइनिकन की इन सारी बातों का कोर कोई जवाब नहीं देता और वो वहां से चला जाता है। जेन कोर को न्यूज़पेपर दिखाकर कहता है इसमें हमारे बारे में लिखा है, किसी ने कहा कि इन सब में 3 लोग शामिल है और किसी ने कहा कि 5, और हमें बहुत ही खतरनाक और अनुभवी अपराधी बताया गया है। कोर न्यूज़पेपर पढ़ के सबको सुनाता है। इस न्यूज को पढ़कर सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ था। आगे टीवी में हाइनिकन के किडनैपिंग की न्यूज चल रही होती है और कोर और उसके दोस्त सभी न्यूज देखते हुए ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी जेन को कुछ याद आता है और जेन कोर से कहता है वो नोट शायद हमने फोटोकॉपी मशीन में छोड़ दिया। ये सुनते ही सभी लोग वापस उस ऑफिस में पहुंचते हैं जहां पर उन्होंने नोट की फोटोकॉपी की थी। जेन और कोर ऑफिस के अंदर जाते हैं और उस ऑफिस में काम करने वाले एक बूढ़े आदमी से कहते हैं
हमें कॉपी मशीन से कुछ कॉपी करना है। वो बूढ़ा आदमी दोनों को कॉपी करने की इजाजत देता है और कोर और जेन उस कॉपी मशीन को देखते हैं। तो वो नोट अब तक भी उसी मशीन में था, उसे किसी ने नहीं छुआ था। यह देखकर कोर और जेन उस ओरिजिनल नोट को लेकर वहां से चले जाते हैं। आगे मार्टिन हाइनिकन के लिए सैंडविच लेकर जाता है और हाइनिकन मार्टिन से पूछता है, क्या तुमने रैंसम नोट भेज दिया? मार्टिन इशारा करके कहता है, हाँ भेज दिया। हाइनिकन कहता है, तो तुम्हें कोई जवाब मिला? मार्टिन इशारा करके कहता है, नहीं अब तक नहीं। और मार्टिन वहां से चला जाता है। आगे मार्टिन हाइनिकन को खाना देता है और उसे कुछ किताबें भी ले जाकर देता है। और हाइनिकन मार्टिन से कहता है, म्यूजिक बदलने के लिए धन्यवाद। और हाइनिकन मार्टिन से बैंग बैंग चिकन की मांग करता है। मार्टिन चिकन लेने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है। तब रेस्टोरेंट वाला आदमी पूछता है, तुम पिछले 5 साल से यहाँ से मीठी चीजें ले आते हो, तुम कब से मिर्च वाला चिकन खाने लग गए? मार्टिन कहता है, अब मैं ये पसंद करने लगा हूँ। तब मार्टिन के पास पुलिस वाले भी खड़े थे। आगे कोर और विलियम और उसके दोस्त पब में गेम खेल रहे होते हैं। तभी उन लोगों की नजर पब में ही बैठे कुछ लोगों पर पड़ती है। तब उन्हें शक होता है कि पब में ही बैठे कुछ लोग उन पर नजर रख रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो पुलिस वाले हो सकते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग पब से निकल जाते हैं। आगे मार्टिन चिकन लेकर हाइनिकन के पास जाता है। तब हाइनिकन मार्टिन को कहता है, अगर तुम पुलिस को मेरे बारे में बता दोगे तो मैं तुम्हें फिरौती का आधा पैसा दे दूंगा और स्विट्जरलैंड में एक घर और बहुत सारी स्विस लड़कियां भी। यह सुनकर मार्टिन वहां से जाने लगता है। तब हाइनिकन कहता है, क्या तुम्हें कुछ खबर मिली, पुलिस क्या कर रही है? मार्टिन ना का इशारा करके वहां से चला जाता है। आगे कोर जेन से कहता है, हमें 2 हफ्तों से ज्यादा समय बीत चुका है, अगर वो अब पैसा नहीं देते तो वो हमारे बारे में पता लगा लेंगे। ये सुनकर जेन कहता है, हमें ये सब खत्म करना होगा, हमें हाइनिकन को छोड़ना होगा और जो कमरे हमने बनाए हैं इसे जलाना होगा। हम इन सब से पीछे हटेंगे तभी हमें वापस हमारी पुरानी जिंदगी मिल पाएगी। मैं हार गया हूँ और अब मुझे मेरा शेड वापस खाली चाहिए। यह सुनकर कोर कहता है, सब कुछ अभी भी हमारे कंट्रोल में है, क्या तुम $35 मिलियन से पीछे हटना चाहते हो? जेन इसका कोई जवाब नहीं देता और वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन विलियम न्यूज़पेपर देखता है और न्यूज़पेपर में उनके दिए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं था। ये बात विलियम और कोर हाइनिकन को बताते है, हमने पुलिस को तुम्हें मारने की धमकी दी फिर भी हमें पैसों के लिए कोई जवाब नहीं मिला। ये सुनकर हाइनिकन घबरा जाता है और वो कहता है, जरूर कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलेंगे। हाइनिकन विलियम से एक पेपर और पेन मांगता है चिट्ठी लिखने के लिए। विलियम हाइनिकन को पेपर और पेन देता है और कहता है, पहले हमसे एक और वादा करो, जब तुम्हें छोड़ा जाएगा तब तुम पुलिस की कोई मदद नहीं करोगे हमें पकड़ने के लिए। हाइनिकन वादा करता है, मैं पुलिस की कोई मदद नहीं करूंगा। और हाइनिकन एक चिट्ठी लिखता है जिसे विलियम और कोर लेकर चले जाते हैं। कोर बाहर जाकर हाइनिकन के ड्राइवर के कमरे का दरवाजा भी खोल देता है और हाइनिकन और उसका ड्राइवर दोनों बातें करने लगते हैं। कोर और विलियम उनकी ये बातें माइक्रोफोन के जरिए सुन रहे थे। हाइनिकन का ड्राइवर कहता है, बॉस हमें यहाँ पर कितने दिन हो गए? हाइनिकन कहता है, शायद ये 3रा हफ्ता चल रहा है, पर इन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर बंदी क्यों बना रखा है? ड्राइवर कहता है, अगर इन्हें पे नहीं किया गया तो हम लोग मारे जा सकते हैं। हाइनिकन कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए तो मैं $100 मिलियन भी दे दूंगा। आगे कोर की टीम के साथ विलियम बात कर रहा होता है और विलियम कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आई, हम लोगों ने ड्राइवर को किडनैप क्यों किया? अब पुलिस भी यही सोच रही होगी, क्या हम सचमुच किडनैपर्स हैं या फिर कोई आवारा लोग? अगर पुलिस को ऐसा लगता है और वो लोग हमें पैसा नहीं देंगे तो हम सचमुच इन लोगों को मार देंगे। फ्रांस भी इस बात पर विलियम का समर्थन करता है। ये बात सुनकर कोर कहता है, तो तुम इसका समर्थन कर रहे हो? फ्रांस कहता है, हाँ अगर हमें पैसा नहीं मिला तो हमें ऐसा करना होगा। ये सुनकर कोर फ्रांस के सामने चाकू रखता है और कहता है, जाओ उसे काट दो। विलियम गुस्से से वो चाकू उठाकर ड्राइवर को मारने जाने लगता है। तब जेन विलियम को रोकने लगता है और वो कहता है, मैंने इसलिए डील साइन नहीं की थी। पर विलियम मास्क पहनकर कमरों के अंदर चला जाता है। कोर भी मास्क पहनकर विलियम को रोकने जाता है तो वो देखता है विलियम ड्राइवर के रूम में नहीं था। कोर भी हाइनिकन के रूम में जाता है तो वो देखता है विलियम हाइनिकन के सामने चाकू लेकर खड़ा हुआ था और हाइनिकन उससे डर रहा था। कोर विलियम को अपने साथ वहां से लेकर चला जाता है। विलियम बाहर आके रोने लगता है और वो कहता है, मैं ये सब क्या करने वाला था? कोर विलियम को शांत करता है और वो अपनी टीम से कहता है, हमें अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने की जरूरत है ताकि हम थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सके। ऐसा कहकर कोर भी अपने घर चला जाता है। कोर अपने घर पर जाता है तब सोनिया भी उस पर नाराज होती है क्योंकि सोनिया प्रेग्नेंट थी और ऐसे वक्त में कोर भी उसके साथ नहीं था। कोर वापस हाइनिकन के पास जाता है और हाइनिकन कोर से कहता है, क्या उन्होंने तुम्हें पैसे दिए? क्या अब तुम हमें छोड़ दोगे? कोर कहता है, ये आखिरी मौका है, नहीं तो आगे से वो तुमसे बात नहीं कर पाएंगे। हाइनिकन कहता है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, हमें कैसे छोड़ना है, क्या तुम लोगों ने ये प्लान किया? कोर कहता है, हम तुम दोनों को कार में ले जाकर कहीं छोड़ देंगे और फिर तुम पुलिस को कॉल कर लेना। हाइनिकन कहता है, तुम ये काम अभी करो, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा, तुम आजादी से वो पैसा खर्च करना, मैं तुमसे वादा करता हूँ। पर कोर हाइनिकन की बात का कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन कोर अपने घर का न्यूज़पेपर देखता है और वो न्यूज़पेपर देखकर खुश हो जाता है।
आगे कोर हाइनिकन जिंदा है या नहीं इसका सबूत देने के लिए हाइनिकन का एक फोटो लेता है और ड्राइवर की आवाज रिकॉर्ड करते हुए उससे नोट पढ़वाते हैं कि पैसा हम तक कैसे पहुंचाना है। ड्राइवर इंस्ट्रक्शन पढ़ता है, ये मैसेज ईगल का माउस के लिए है। एक व्हाइट कलर का क्रॉस ऑरेंज कलर की वैन पर पेंट करना है जिस वैन में पैसा होगा और हमारे कॉल करने के 10 मिनट बाद वो वैन पैसा लेकर निकलेगी और किसी ने उस वैन का पीछा किया तो हम ड्राइवर को और हाइनिकन को मार देंगे। वहां से पैसों वाली वैन सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचकर वहां के लॉकर नंबर 9 से आगे के इंस्ट्रक्शन कलेक्ट करेगी। आगे कोर एक ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक कोन रखता है और पुल के नीचे देखता है तो वहां पर जगह खाली थी। हाइनिकन के आदमियों को लॉकर के अंदर एक रिकॉर्डर मिलता है जिसमें आगे के इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड थे। रिकॉर्डर से आवाज आती है, अब माउस को होटल टोटन हाफ में जाना है जहां होटल के बाहर एक प्लास्टिक जार में आगे के इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। हाइनिकन का आदमी प्लास्टिक जार से इंस्ट्रक्शन निकाल कर पड़ता है तो आगे हाइनिकन के आदमी को गैस स्टेशन बुलाया गया था। हाइनिकन का आदमी गैस स्टेशन पर जाकर वेट करता है तो गैस स्टेशन पर एक फोन कॉल आता है जहां से हाइनिकन के आदमी को बीजेट एरिया के पार्किंग एवेन्यू में बुलाया जाता है और कहा जाता है पार्किंग एरिया में एक पीली गाड़ी होगी जिस पर एक साइकिल होगी, सारा पैसा वैन में से निकाल कर उस गाड़ी में रखो और आगे के इंस्ट्रक्शन गाड़ी में रखे वॉकी टॉकी से मिलेंगे। हाइनिकन का ड्राइवर पैसा वैन से निकाल कर गाड़ी में रखता है और वॉकी टॉकी पर बताए गए एड्रेस पर जाता है और पुल के ऊपर गाड़ी रोककर पैसों के बैग को पुल से नीचे फेंक देता है और वहां से चला जाता है। पुल के नीचे खड़े कोर और जेन हाइनिकन के आदमी के जाने के बाद पैसों के बैग लेकर वहां से चले जाते हैं और कोर की टीम पैसों के बैग को जंगल में एक ड्रम के अंदर जमीन में छुपाकर चले जाते हैं। अगले दिन सभी बहुत खुश होते हैं और हाइनिकन को रिहा करने के लिए एक साथ गाड़ी में जा रहे होते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही थी और हो सकता है वो गाड़ी पुलिस की हो। ये देखकर विलियम गाड़ी तेजी से भगाता है और दूसरे रास्ते में गाड़ी को लेकर भाग जाता है। आगे जाकर विलियम गाड़ी रोकता है तब कोर बोलता है हम पांचों एक साथ एक ही कार में नहीं घूम सकते, इससे पुलिस को शक हो सकता है। दूसरी तरफ कमरे में हाइनिकन परेशान हो चुका था, उसे ना ही पानी दिया गया था और ना ही खाना और भूख प्यास के कारण वो बड़बड़ाने लगा था, अपने आप से ही बातें करने लगा था। फ्रांस कोर से कहता है हमें पैसों को बांट लेना चाहिए। तब कोर कहता है मैं और विलियम पैसों को लेकर आते हैं, हम लोग ऐसे एक साथ नहीं जा सकते। तब जेन कहता है तो हम 4 घंटे बाद न्यू लेक के पास बोट यार्ड में मिलेंगे और ऐसा बोलकर कोर और विलियम के अलावा सभी लोग गाड़ी से उतर जाते हैं। पर फ्रांस को कोर पर ज्यादा विश्वास नहीं था। आगे सभी बोट यार्ड में मिलते हैं और सभी पैसों को हिस्सों में बांट लेते हैं और कोर मार्टिन को उसका हिस्सा देकर उससे कहता है तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें वापस से कांटेक्ट करूंगा। मार्टिन अपना हिस्सा लेकर वहां से चला जाता है और विलियम सभी से कहता है पैसा बहुत भारी हो गया था इसलिए हमने एक हिस्सा ड्रम में ही छोड़ दिया। इस बात को सुनकर फ्रांस गुस्सा करता है और वो कहता है तुमने $7 मिलियन जमीन में ही छोड़ दिया, तुमने ऐसा क्यों किया। कोर कहता है हम वापस आने के बाद बाकी के हिस्से को ही बांट लेंगे। तब विलियम कहता है कोर और मैं पेरिस जा रहे हैं और कुछ दिन वहीं रुकेंगे और यहाँ पर सब कुछ शांत होने के बाद वापस आएंगे। ये सुनकर जेन कहता है पर हम हमारी फैमिली को छोड़कर पेरिस नहीं आ सकते और हाइनिकन का क्या होगा, हम उसे कब छोड़ेंगे। ये सुनकर फ्रांस कहता है हम उसे अभी नहीं छोड़ सकते, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। जेन कहता है अगर हम उसे नहीं छोड़ेंगे तो वो मर जाएगा। फ्रांस कहता है हम पेरिस में जाकर पुलिस को टिप दे सकते हैं कि हाइनिकन कहाँ पर है। कोर कहता है तो हाइनिकन जेन के शेड में मिलेगा और उसके बाद हम यहाँ पर कभी भी वापस लौटकर नहीं आ सकते। जेन को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने पैसे लेकर वहां से चला जाता है। आगे जेन पैसा लेकर जा रहा होता है तभी वो देखता है पुलिस की गाड़ियां उसकी गाड़ी का पीछा कर रही थी और पुलिस की गाड़ियां जेन की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेती है और जेन पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। पुलिस जेन के शेड में जाकर हाइनिकन को ढूंढने लगती है पर शेड में पुलिस को हाइनिकन कहीं भी दिखाई नहीं देता। हाइनिकन अकेला था और वो भी अपने आप से ही बात कर रहा था। पुलिस वहां रखे रिकॉर्डर को ऑन करती है तो उन्हें हाइनिकन की आवाज आती है। इन आवाजों को सुनकर पुलिस समझ जाती है कि हाइनिकन उसी शेड में है और पुलिस दीवार के पीछे बने गुप्त कमरों में हाइनिकन को ढूंढ लेती है। पुलिस हाइनिकन और उसके ड्राइवर दोनों को छुड़ाकर ले जाती है। हाइनिकन के मिलने की खबर रेडियो और टीवी पर चलती है और कोर विलियम और फ्रांस भी इस खबर को सुनते हैं। ये सुनकर कोर कहता है हो सकता है हमने जो रैंसम नोट छोड़ा था उसके कारण उन्हें हाइनिकन मिला हो या बैंग बैंग चिकन जो वो रोजाना खाने के लिए मंगवाता था उसके कारण पुलिस को शक हुआ हो। ये सुनकर फ्रांस कहता है मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता पर मुझे लगता है मार्टिन ने ही पुलिस को टिप दी हो। इस बात को सुनकर कोर गुस्सा होता है और कहता है मार्टिन ऐसा नहीं कर सकता, हो सकता है तुमने ही पुलिस को टिप दी हो। विलियम को भी फ्रांस पर शक होता है और विलियम और फ्रांस में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगता है। फ्रांस अपने पैसों का बैग लेकर कोर और विलियम को वहीं छोड़कर चला जाता है। तब पुलिस भी नाकेबंदी पर कोर और विलियम की गाड़ी को रोकती है पर पुलिस उनकी गाड़ी को जाने देती है। मार्टिन भी पैसा लेकर स्कूटर से जा रहा था
तब पुलिस उसे भी घेर लेती है, उसे भी पकड़ लेती है। जेन और मार्टिन के पकड़े जाने की खबर कोर और विलियम टीवी पर देखते हैं और कोर और विलियम पेरिस में उनकी दोस्त के वहाँ रहने चले जाते हैं। कोर को पेरिस में रहते हुए सोनिया उसकी वाइफ की याद आने लगती है और कोर अपनी वाइफ को फोन लगाने लगता है। तब विलियम उसे ऐसा करने से मना करता है और उस पर गुस्सा करता है। कोर सोनिया को फोन नहीं लगाता पर उसे सोनिया की बहुत याद आ रही थी। आगे कोर विलियम को न्यूज़पेपर दिखाता है और उस न्यूज़पेपर में खबर छपी थी कि फ्रांस ने भी पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया है। कोर और विलियम टी पर हाइनिकन का इंटरव्यू देखते हैं और उस इंटरव्यू में हाइनिकन कहता है, मुझे सबसे ज्यादा डर मेरे ड्राइवर के लिए लग रहा था। मीडिया वाले पूछते हैं कोर और विलियम अब कहाँ होंगे। हाइनिकन कहता है, कोई आदमी भाग सकता है लेकिन वो छुप नहीं सकता, वो भी पकड़े जाएंगे। कोर सोनिया के दोस्त को एक कॉल करता है और उसे नंबर देकर कहता है, सोनिया को कहना बाहर जाकर फोन बूथ से मुझे इस नंबर पर कॉल करे। कोर सोनिया के फोन का वेट करने लगता है और सोनिया फोन बूथ पर जाकर कोर को कॉल करती है। कोर को सोनिया से बात करते हुए विलियम देख लेता है पर वो उसे कुछ नहीं कहता। सोनिया कोर को बताती है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है और वो उसके बैंक अकाउंट भी चेक कर रही है और मेरे पेरेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स और हमारे दोस्तों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। मैं ज्यादा देर तुमसे बात नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर सोनिया फोन रख देती है। ये सब सुनकर कोर परेशान होता है और वो विलियम से कहता है, मैंने गलत किया क्योंकि कल रात से ही पुलिस इस नंबर को ट्रैक कर रही होगी। विलियम कहता है, तो फिर हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। वो दोनों पैसे लेकर बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो पूरी गलियां सुनसान होती है और ये देखकर कोर को कुछ गड़बड़ लगती है और पुलिस हर तरफ से कोर और विलियम को घेर लेती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित थी तो आगे हमें मूवी में बताया जाता है किसी अनजान आदमी ने कोर और उसके दोस्तों के बारे में पुलिस को टिप दी थी और पुलिस ने कभी नहीं बताया कि उन्हें ये सूचना किसने दी थी और पुलिस ने कैसे किडनैपर के बारे में सब कुछ पता लगाया। हाइनिकन ने उसकी किडनैपिंग के बाद अपने आसपास सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा बनवाया और इस सुरक्षा घेरे में कई सारे गार्ड थे जो हमेशा हाइनिकन की सुरक्षा करते थे। 2003 में हाइनिकन की डेथ हो गई। जेन को इस अपराध में 12 साल की सजा हुई और मार्टिन को 8 साल की सजा हुई। फ्रांस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान भाग गया और पारागुआ कंट्री में जाकर बस गया। वहाँ पर एक रिपोर्टर ने फ्रांस को पहचान लिया और फ्रांस वापस पकड़ा गया और नीदरलैंड में फ्रांस ने बाकी की सजा काटी। कोर और विलियम ने 11 साल की सजा काटी और छूटने के बाद उन्होंने नीदरलैंड का गॉडफादर बनने की कोशिश की। पर 2003 में कोर को भी किसी ने शूट करके मार दिया। किसने मारा किसी का कोई पता नहीं चला। ये किडनैपिंग दुनिया के उस समय की सबसे बड़ी किडनैपिंग थी जिसमें किडनैपिंग में इतनी बड़ी रकम की मांग की गई और किडनैपिंग के बदले इतनी बड़ी रकम चुकाई भी गई। अगर भारतीय पैसों में आप गिनेंगे तो ये किडनैपिंग 2,60,00,000 रुपए की थी और ये कीमत आज के हिसाब से भी बहुत बड़ी है। इस किडनैपिंग में मांगा गया पैसों का एक बड़ा हिस्सा पुलिस कभी भी रिकवर नहीं कर पाई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।